नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चैत्र महीने की। देखिए, शुरुआत होने जा रही है। ये महीना आप सभी के लिए, हम सब के लिए किस प्रकार से कल्याणकारी साबित होगा, कौन कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन को सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे पंडित जी के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। जब भी आप जूते चप्पल पहन करके कहीं जाने का प्रयास करते हैं या कहीं जाते हैं, तो जूते चप्पल हमेशा झाड़ करके और साफ करके तभी पहन के घर से निकलिए। क्योंकि अगर आप गंदे जूते चप्पल पहन करके निकलेंगे, गंदे जूते चप्पल पहन करके जाएंगे, तो बेवजह की दिन भर दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी और व्यर्थ में आप दिन भर दौड़ते रहेंगे। और श्रेय, इसी के साथ पंडित जी से जान लेते हैं 9 मार्च के पंचांग के बारे में। दिनांक 9 मार्च 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 8:54 तक, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि चैत्र महीने की शुरुआत होने जा रही है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि चैत्र के महीने का पंडित जी ये बता दीजिए कि महत्व क्या है, इसकी खासियत क्या है। अगर हम चैत्र महीने की बात करें तो भारतीय पंचांग का जो पहला महीना है वो चैत्र का महीना है। चैत्र से भारतीय नए साल का आरंभ होता है, भारतीय नव संवत्सर की शुरुआत होती है। इसको चैत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पूर्णिमा तिथि को चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसका नाम चैत्र है। इस महीने में वसंत का अंत होता है, यानी वसंत ऋतु का समापन होता है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, गर्मियों की शुरुआत होती है। इस महीने से ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि ज्योतिष की सारी गणनाएं यहीं से आरंभ होती हैं और यहां से बहुत सारी चीजों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस महीने से शुभता का और ऊर्जा का आरंभ होता है, यानी इस महीने से जीवन में शुभता आती है और इस महीने से जीवन में ऊर्जा भी आती है। इस बार चैत्र का महीना 8 मार्च से आरंभ हुआ है और ये 6 अप्रैल तक बना रहेगा। इस एक महीने तक जो चैत्र के नियम हैं, चैत्र के जो कायदे हैं, चैत्र की जो परिस्थितियां हैं, उन सब का पालन हमें करना होगा ताकि ये महीना हमारे लिए शुभ और मंगलकारी बना रहे। और चलिए आज के विषय को आगे बढ़ाएंगे, पंडित जी के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले राशिफल पर आते हैं और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। मेष राशि, मेहनत की स्थिति ज्यादा दिखाई दे रही है, मेहनत से भरा हुआ दिन दिख रहा है, यानी परिश्रम ज्यादा होगा। परिवार में काफी व्यस्तता बनी रहेगी आपकी। इस समय मेहनत से फायदा होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है, वाणी की वजह से अपयश मिल सकता है, दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए आपके सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत कर देते हैं, लेकिन एक सूचना आपको दे देते हैं कि अगर आप भी किसी प्रकार का सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, ईमेल के जरिए हमें अपना सवाल भेजिए, हम आपका सवाल इस शो के जरिए लेंगे। तो पंडित जी, पहला सवाल ले लेते हैं आज के शो का। जी, आज का पहला प्रश्न हमें निधि जी ने लिखा है, नोएडा से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 25 सितंबर 1986, जन्म का समय है 12:45 दोपहर में, जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, आगे मैं एक बड़ा घर लेना चाहती हूँ, वो मैं कब ले पाऊंगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। निधि, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी राहु की फिलहाल चल रही है। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से मैं कहूँगा कि अभी 1 साल तक आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। सितंबर 2024 तक अभी स्वास्थ्य को लेके सतर्क रहेंगे। पेट की समस्या, आँखों की समस्या और हड्डियों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि साल 2025 में आप वर्तमान से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बड़ा मकान ले पाएंगी, ये संभावना भी दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और जीवन भी आपका बेहतर रहे, इसके लिए 2 उपाय करिए। सबसे पहले एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर ये 2 उपाय करें तो इससे बहुत हद तक आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए आज के ही विषय को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ, और ये जानते हैं कि चैत्र के महीने के पर्व और त्योहार क्या क्या हैं। पंडित जी, जैसा कि आपको पहले बताया कि चैत्र का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पवित्र है। इस महीने के पर्व और त्योहार कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्व और त्योहार इस महीने में मनाए जाते हैं, आइए जानते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है, एक विशेष पर्व है जो चैत्र कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। चैत्र महीने में पाप मोचनी एकादशी भी आती है, अपने पापों का शमन करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस महीने में पाप मोचनी एकादशी भी मनाई जाती है। इस महीने से नव संवत्सर का आरंभ भी होता है,
चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नए साल की शुरुआत होती है, नव संवत्सर का आरंभ होता है। इसी महीने में वासंतिक नवरात्र का महान पर्व भी आता है। इसी समय में वसंत के नवरात्र का आरंभ होता है और इसी महीने में वासंतिक नवरात्र का हम पालन करते हैं। इसी महीने की चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम के जन्मोत्सव मनाए जाने की परंपरा पाई जाती है। इसी महीने की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र मानते हैं। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन तमाम धार्मिक कृत्य किए जाते हैं और तमाम दान आदि किए जाते हैं। तो चैत्र का महीना दो कारणों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कारण ये है कि इसी समय भारतीय नव वर्ष का आरंभ होता है, भारतवर्ष के नए वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और चैत्र के महीने में भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का प्राकट्य हुआ था तो उनकी विशेष पूजा उपासना और उनका विशेष जन्मोत्सव भी चैत्र के महीने में मनाते हैं। और चलिए सफर को आगे बढ़ाते हुए अब बारी आती है राशिफल पर वापस लौटने की। अगली तीन राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से कि कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, जो परिवार को लेके तमाम उलझने थी, तमाम समस्याएं थी, आपकी पारिवारिक उलझने इस समय सुलझ जाएंगी। करियर में कोई बड़ा और कोई बेहतर अवसर सामने आ सकता है इस समय, और कोई शुभ सूचना जो आपके विवाह या आपके करियर से संबंधित हो इस समय आपको मिल सकती है। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में इस समय आपको लाभ होगा और जो आपकी समस्याएं चली आ रही हैं वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी की तमाम समस्याएं दूर होंगी, संतान पक्ष की चिंता भी दूर होगी और इस समय आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ हम लौटते हैं वापस आप सभी के सवालों पर। पंडित जी से जान लेते हैं कि इस शो का अगला सवाल पंडित जी कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न हमें शशांक नामदेव जी ने लिखा है, मंडला मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 7 जनवरी सन 2000। जन्म का समय है 3:20 दोपहर में। जन्म स्थान है बम्हनी बंजर मंडला मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरे मन में भटकाव बहुत रहता है, स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार मेरे साथ बनी रहती हैं,
तो मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। शशांक, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। चंद्रमा का कमजोर होना इस बात की सूचना दे रहा है कि ज़्यादातर समस्याएं पेट की वजह से हैं या ज़्यादातर समस्याएं आपकी मानसिक हैं, मन की वजह से पैदा हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि चंद्र और बुध दोनों के कमजोर होने की वजह से मन में भटकाव की स्थितियां थोड़ी ज़्यादा बन गई हैं और इस वजह से मन एक रास्ते पर नहीं चलता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद बैंक की नौकरी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करिएगा, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो उसके लिए आप प्रयत्न करिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। मन की और सेहत की समस्या दूर हो, मानसिक भटकाव दूर हो, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना अवश्य पहन लें। 27 बार सुबह और 27 बार शाम को अगर गायत्री मंत्र का जप भी इसके साथ आप कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आज के विषय के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं और समझते हैं पंडित जी से कि इस महीने के खान पान की तमाम तरह की सावधानियां अगर हम बरतना चाहते हैं तो फिर वो क्या होंगी पंडित जी? भारतीय महीनों को आयुर्वेद के हिसाब से भी समझा गया है, जाना गया है और ऐसा कहा गया है कि किस महीने में आपका खान पान कैसा होना चाहिए। तो अगर हम चैत्र महीने के खान पान की बात करें तो मैं बता दूं कि चैत्र महीने से धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए, अनाज कम से कम खाना चाहिए चैत्र के महीने से, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। चैत्र के महीने से पानी अधिक पीना आपके लिए अच्छा होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए। और पानी अधिक पीने के अलावा जितना संभव हो आप फल भी खाइए। इस महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए, चैत्र के महीने में गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, बल्कि इस महीने में चना खाना बहुत अच्छा होता है। चैत्र के महीने में अगर आप चने का सेवन करें तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा। इस महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। सर्दियों के समय में अक्सर खाना ज़्यादा जब बच जाता है तो हम अगले समय उसको खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चैत्र के महीने से बासी भोजन खाना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। चैत्र के महीने में बसोड़ा का पर्व, शीतला अष्टमी का पर्व आता है, उसी दिन हम अंतिम बार बासी भोजन करते हैं और उसके बाद बासी भोजन करना पूरी तरह से बंद कर देना ही बेहतर होता है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ और अगली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से कि कैसा रहने वाला है। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस समय आपको सेहत की समस्या परेशान कर सकती है। नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं और इस समय आप अपने परिवार में शांति बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को अगर प्रयास करेंगे तो इस समय सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की दशा आपके लिए उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ आप ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके सवालों को वापस लौटते हुए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज के शो का अगला सवाल कौन से दर्शक का। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें रंजू जी ने लिखा है। ये बंगलोर से लिखते हैं। अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। इनके भाई का नाम है दीपक कुमार। भाई की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर सन 2000। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 12:03। जन्म स्थान है बंगलोर। ये कह रहे हैं कि भाई जो है वो गलत संगति में पड़ गया है, गलत रास्ते पे पड़ गया है। रिहैब सेंटर में भी ले गए थे लेकिन वहाँ भी जाने से कोई सुधार नहीं हुआ। तो भाई का सुधार कैसे होगा और उसके लिए क्या उपाय किए जाएं? रंजू, आपके भाई की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर। चंद्रमा अष्टम में वक्री शनि से पीड़ित है और पंचम भाव की स्थिति बेहद खराब है। तो भाई को नशा करने की, गलत संगति में जाने की या मानसिक रूप से समस्या होने की स्थिति दिखाई दे रही है। एक तो किसी मनोचिकित्सक के संपर्क में रहिए और मनोचिकित्सक का इलाज इनका करवाइए, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम शुद्ध रूप से साइकोलॉजिकल है, मानसिक है। दूसरी बात यह है कि आपके भाई के जीवन में जो सुधार होने की संभावना है वो कुछ हद तक अप्रैल 2024 से बनती है। अप्रैल 2024 के बाद इनके सुधार की संभावना दिखाई दे रही है। अपने भाई को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। और घर का कोई भी सदस्य, चाहे आप स्वयं या आपके माता पिता, इनके लिए सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर ये उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से इनके जीवन में सुधार होगा और इनके साथ जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं वो काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। पंडित जी, अब मुझे ये बताइए कि अगर इस महीने में हमें पूजा उपासना करनी है तो फिर किस प्रकार से करनी चाहिए और उसकी विधि क्या होनी चाहिए? चैत्र के महीने में आहार क्या होगा, कौन से व्रत त्योहार होंगे, कौन सा पर्व होगा, ये तो आपने समझ लिया। अब इस महीने में कौन सी पूजा उपासना करना अच्छा रहेगा? देखिए, चैत्र के महीने में सूर्य देव की उपासना करना, भगवान सूर्य की उपासना करना और माँ दुर्गा की उपासना करना लाभदायक होता है, अच्छा होता है। नाम यश और पद प्रतिष्ठा के लिए सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए,
चैत्र के महीने में अगर आप जीवन में नाम और यश चाहते हैं, अगर आप पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इसके लिए सूर्य देव की उपासना करें। शक्ति चाहते हैं, ऊर्जा चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं, तो देवी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में लाल फलों का दान आपको करना चाहिए। इस महीने में अगर आप लाल फल का दान करें तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल इस महीने में डालना चाहिए। अगर आप पौधे लगाते हैं, वृक्षों में, पौधों में जल डालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो ऐसा करने से आपका संतान पक्ष निरंतर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि चैत्र के महीने में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज सुबह या तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए या दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए या माँ दुर्गा के मंत्रों का जप कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पंडित जी, चूंकि हम चैत्र के महीने की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इस महीने में अगर आप किसी प्रकार का मंत्र जप करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और किस प्रकार से करना चाहिए ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, चैत्र के महीने में पहले आपको बताया कि सूर्य देव की और देवी की यानी माता दुर्गा की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। तो चैत्र के महीने में अगर आप माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें और माता दुर्गा का मंत्र है ओम दुं दुर्गाय नमः, ओम दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से अगर आप जप करें तो आपके जीवन की दरिद्रता, आपके जीवन की मुश्किल निश्चित रूप से दूर होगी। और अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो रहा है या किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है और वो इस मंत्र का जप नियमित रूप से सुबह के समय करे पूरे चैत्र के महीने में, तो विवाह होने में आ रही अड़चन भी दूर होगी और तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ओम दुं दुर्गाय नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः जप किया जाए चैत्र के महीने में तो बहुत शुभ रहेगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अंतिम तीन राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा रहेगा? मकर राशि, करियर में इस समय आपके लिए बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस समय आपका नया काम भी शुरू हो सकता है। पारिवारिक तनाव इस समय आपका समाप्त होगा। भगवान को अगर पीले फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम इस समय बिल्कुल मत टालिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय आपकी बढ़ेंगी। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आज के शो का अंतिम सवाल भी पंडित जी से जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल ले रहे हैं पंडित जी। जी अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न जो है वो अदिति पाठक जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 जुलाई 2004। जन्म का समय है 2:44 दोपहर में। जन्म स्थान है हावड़ा, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि मैं 12वीं की परीक्षा कॉमर्स से दे रही हूँ, आगे मुझे किस करियर में जाना चाहिए, मेरे लिए कौन सा क्षेत्र सही होगा। अदिति आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतर दशा भी राहु की चल रही है जुलाई 2024 तक। देखिए अदिति, बुध और बृहस्पति के संबंध की वजह से हम आपको ये कहेंगे कि आप MBA में जाइए, फाइनेंस से संबंधित MBA करिए, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा जो क्षेत्र आपके लिए हो सकता है वो लॉ का हो सकता है, तो या तो MBA करिए फाइनेंस में, अच्छा रहेगा, या आप लॉ के फील्ड में जाइए, ये दोनों ही क्षेत्र आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होंगे। इस कुंडली में भटकाव बहुत है और स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जिसे बेहतर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एक मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः आप मूंगा धारण करें और रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर और प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए चैत्र के महीनों के तमाम फायदों के बारे में पंडित जी चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि चैत्र के महीने में आप किसी प्रकार का दान करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और दान क्या करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि पहले बताया कि वसंत ऋतु का समापन होता है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, धीरे धीरे गर्मियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो चैत्र के महीने में दान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जल का। तो अगर आप पेड़ पौधे में जल अर्पित करते हैं, प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं या जल पीने की व्यवस्था कराते हैं, मटके रख कर, वाटर कूलर रख करके, जैसे भी संभव हो, अगर आप लोगों के जल पीने की व्यवस्था करते हैं, लोगों को जल पिलाते हैं या पेड़ पौधों में जल डालते हैं, तो जल का दान करना चैत्र के महीने में सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो जितना संभव हो चैत्र के महीने में आप जल का दान करें, लोगों को पानी पिलाएं, और अगर आप नियमित रूप से चैत्र के महीने में ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो बाधा है, सेहत में आपकी जो दिक्कत है, वो दिक्कत आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 9 मार्च को, उनका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, करियर में आपके बदलाव होगा और सुधार होगा। इस साल स्वास्थ्य में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है, जिसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत में अविवाहितों का विवाह हो सकता है, ये संभावना आपके लिए जरूर
बनती है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में शिवलिंग रखने पर नंदी जी की मूर्ति रखना भी जरूरी है? क्योंकि जहां शिवलिंग होता है वहां नंदी जरूर होते हैं, तो क्या अगर हम घर में शिवलिंग रखें तो उसके साथ नंदी जी को रखना भी जरूरी है या नहीं है? देखिए, आप अपने घर में छोटा शिवलिंग रख सकते हैं। घर में छोटा शिवलिंग रखना बहुत उत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन घर में शिवलिंग के साथ नंदी जी की मूर्ति रखना कोई ज़रूरी नहीं है। घर में ऐसा ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने घर में भी नंदी जी को शिवलिंग के साथ रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी रखते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए अब बारी आती है 9 मार्च के शुभ पहर के बारे में जानने की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 9 मार्च 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें, बेहतर होगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप करें। आपके संतान पक्ष में जो बाधा चली आ रही है, जो समस्या चली आ रही है, वो समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा 9 मार्च बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए इसी के साथ बारी आ गई है आपकी गुडलक राशि के बारे में जानने की। इस शो में हम हर रोज आपको बताते हैं गुडलक राशि कौन सी है, तो आज की गुडलक राशि के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के लोग किसकी पूजा करें जो उनके लिए अच्छा रहेगा। आज की जो गुडलक राशि है वो है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए भगवान कृष्ण की उपासना सबसे ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा उत्तम है। आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण को तुलसी के 2 पत्ते अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप करें। कृष्ण नाम भी एक मंत्र है, आप चाहें तो उनके नाम मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करें तो जीवन की तमाम समस्याएं आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। और चलिए आज के शो के तमाम उपाय तो आपने जान लिए, अब बारी आती है उसकी जिसका आपको इंतजार रहता है, आज के शो का महा उपाय पंडित जी जान लेते हैं। जी, अगर आपके संतान के करियर में समस्या आ रही है, अगर आपके संतान के करियर में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? शनिवार की शाम को शनि मंत्र का 11 माला जप करेंगे, 11×108 बार हर शनिवार की शाम को। और मंत्र जप करने के बाद शनिवार की शाम को ही पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और संतान के लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा हर शनिवार के शनिवार अगर आप शाम के समय करते हैं तो आपके संतान के करियर की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।